मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रविवार को वैलेंटाइंस डे के विरोध में कुछ संगठनों ने शहर के एक हुक्का लाउंज और काउबॉय रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ की। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि भगवा झंडा लिए हुए ये लोग भगवा गमछा पहने हुए थे और जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक श्यामला पुलिस थाने के पास एक हुक्का लाउंज में तोड़फोड़ करने के मामले में पूर्व बीजेपी विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह और 6 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वही दूसरी तोड़फोड़ की भयावह तस्वीर हबीबगंज पुलिस थाने के पास एक रेस्टोरेंट में देखने को मिली, जहां शिव सैनिकों ने जमकर बवाल काटा और इस मामले में अब 10 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। संस्कृति बचाओ मंच का नेतृत्व कर रहे पूर्व भाजपा विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह ने गिरफ्तारी से पहले संवाददाताओं से कहा, हुक्का लाउंज में नौजवानों को नशे का आदि बनाया जा रहा है और उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। इसके अलावा इन हुक्का लाउंज के कारण युवा लव जिहाद का शिकार भी हो रहे हैं। पूर्व विधायक ने दावा किया वो अपने समाज की रक्षा करेंगे और ऐसे लाउंज को बंद करके रहेंगे। आप खुद सुनिए पूर्व विधायक ने क्या कुछ कहा। विगत दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि हुक्का लाउंज जो भोपाल में है लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसको बंद करने की मांग हमने कई बार की। प्रशासन को भी हमने ज्ञापन दिया, माननीय गृह मंत्री जी को भी ज्ञापन दिया, पुलिस के अधिकारियों को भी दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा की थी हुक्का लाउंज बंद होंगे। लेकिन कुछ कानूनी पहलू होते हैं जिसकी वजह से कोई कहीं यहाँ का स्टे, कोर्ट का स्टे, क्या क्या होता है, बहुत सारे लफड़े हैं, तो बहुत सारे काम सरकार भी नहीं करा पाती। ये काम जनता का है, जनता इस काम को करे। और इन हुक्का लाउंजों में आजकल हो क्या रहा है, छोटे छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, ये सब जाके वहाँ पर हुक्का तो नाम है, वहाँ पे उनको नशे का आदि बनाया जा रहा है। हीरोइन, चरस, इसमें गांजा, इस टाइप की चीज़ें वहाँ पे दी जा रही है और उन बच्चों को जो है ब्लैकमेल भी किया जा रहा है। भाई नशे का आदि बना के फिर उनको जो है गलत काम में भी लगाया जा सकता है। वहाँ लव जिहाद और नशा, ये सब चीज़ें जो है वहाँ हो रही है। और आप देखेंगे कि हुक्का लाउंजों के आसपास जो है सारे असामाजिक तत्व, गुंडे, बदमाश लोग वहाँ इकट्ठे रहते हैं। तो ये एक तरह से समाज के बच्चों के साथ जो बच्चे हैं वही अगर दिग्भ्रमित हो जाएंगे तो हमारा समाज कहाँ जाएगा। तो आज समाज का काम भी है कि हम ऐसे हुक्का लाउंजों को बंद कराएं। आज करीब 50-60 स्थानों पर हमारे युवा लोग निकल रहे हैं, जगह जगह रैलियाँ करेंगे और सभी दुकानदारों को बताएंगे जहाँ हुक्का लाउंज चलते हैं, भैया आप ये बंद करें अन्यथा जनता कार्रवाई करेगी। फिर इस चक्कर में मत रहना, आपकी कोई बचाने आएगा, जनता के लोग आएंगे। देखिए क्या है, कुछ आज हम कुछ जगह पे सिंबॉलिक रूप से ताला डाल देंगे और आगे जो है एक दो रोज बाद, भाई ये तो हमारा सबको चेतावनी है कि भैया आप ये सब बंद कराएं अन्यथा हम 2-4-5 दिन बाद जो है फिर हम जनता जाके वहाँ हुक्का लाउंज पिएगी ना, देखते हैं हम कैसे हुक्का लाउंज होता है, हम भी देखेंगे। बहरहाल इस तरह के मामले वैलेंटाइंस पर अक्सर देखने को मिलता है पर कार्रवाई काफी कम ही होती है। अब देखना होगा समाज के इन सो कॉल्ड रक्षकों पर एमपी सरकार क्या एक्शन लेती है। फिलहाल आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।